महाभारत महर्षि व्यास रचित एक प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य है। भारत में अक्सर दो दलों या पक्षों के मतभेदों को लोग महाभारत बोलते हैं। जी नहीं, मैं आपको महाभारत पर कोई क्लास देने नहीं आई हूँ, बल्कि आज हम महाभारत के जिस किरदार के बारे में बात करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड दे रही हूँ। महाभारत की शुरुआत होती है देवव्रत के किरदार से, जिसकी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें भीष्म पितामह के नाम से भी पहचाना गया है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रह चुके संजय बारू ने भी अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह की तुलना भीष्म से की है। सियासत के गलियारों से के इस एपिसोड में हमने मनमोहन सिंह को संजय बारू की इसी किताब में से समझकर उनके नैरेटिव को पेश करने की कोशिश की है। UPA-2 के दौरान एक के बाद एक कांग्रेस के भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे थे। कोल स्कैम, नेशनल हेरल्ड, आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2012 की आर्थिक मंदी और महंगाई, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जन आंदोलन भी शुरू हुआ, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट। अब इन सब के बीच मनमोहन के इस्तीफे की खबर बढ़ चढ़कर मीडिया में उछाली जा रही थी, और तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी को जनता की नजरों में उभरने में नाकामयाबी मिल रही थी। संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर उस समय मनमोहन सिंह इस्तीफा दे देते तो पार्टी खोखला हो जाती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल इमेज को मजबूत करने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी। संजय कहते हैं कि जब राहुल गांधी ने सरेआम मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस फाड़ा था तब उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई थी। राहुल गांधी की मौजूदा प्रधानमंत्री के विरुद्ध एजेंट ऑफ चेंज बनकर उभरने की स्ट्रैटेजी पर इशारा करते हुए उन्होंने किस्सा भी शेयर किया है। UPA-2 के दौरान अक्सर कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच विचार विमर्श करते नजर आते थे राहुल गांधी। 2009 में राहुल गांधी ने JNU के विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान अपनी पार्टी के तंत्र की निंदा की थी और उसमें बदलाव लाने पर भी जोर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि राहुल को भविष्य का नेता प्रोजेक्ट करना कांग्रेस पार्टी का मकसद बन चुका था। संजय ने अपनी किताब में इस बात से जुड़े एक किस्सा भी शेयर किया है। 26 सितंबर 2007 में मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर राहुल गांधी अपने पार्टी के सभी महासचिवों के साथ मनमोहन को शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस मिलाप के दौरान कई पॉलिसी इश्यूज पर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग के अंत में अहमद पटेल ने संजय को मीडिया में इस मीटिंग से संबंधित एक स्टेटमेंट जारी करने को कहा, जिससे राहुल गांधी के मनमोहन सिंह से नरेगा के दायरे बढ़ाने के लिए आग्रह करने की बात लिखी थी। संजय अहमद को बताते हैं कि वे पार्टी के प्रेस स्टेटमेंट सरकार की ओर से नहीं छाप सकते, इसलिए बेहतर होगा कि वे अपने पार्टी की ओर से ही इसे प्रकाशित करें। कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट जारी करते ही सभी मीडिया चैनल्स ने इसे टेलीकास्ट किया। केवल इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर पॉलिटिकल पत्रकार शिशिर गुप्ता ने संजय को कॉल करके पूछा कि क्या मनमोहन ने राहुल के सुझाव को मान लिया है और क्या नरेगा पूरे देश में लागू किया जाएगा। तभी संजय उन्हें याद दिलाते हैं कि मनमोहन ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में नरेगा को पूरे देश में लागू करने का जिक्र किया था। उसके बाद संजय ने मजाक में एक पत्रकार को SMS किया था कि नरेगा पर की गई घोषणा दरअसल प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों को तोहफा है। संजय के इस SMS ने उन्हें संकट में डाल दिया, क्योंकि वो SMS टॉप पार्टी लीडर्स तक पहुंचा। पार्टी में बात चली, क्या बारू ये समझते हैं कि डॉक्टर सिंह हमें चुनाव जिता सकते हैं? ये SMS डॉक्टर सिंह तक भी पहुंचा। मनमोहन ने संजय बारू को अपने चेंबर में बुलाया। मनमोहन गुस्से में बैठे हुए थे, उन्होंने उस SMS के बारे में पूछा। संजय ने सफाई देते हुए कहा कि वे बस स्पष्ट करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेगा के विस्तारीकरण की घोषणा पहले ही कर चुके थे
और राहुल के आग्रह करने से बस इसे जल्दी रोल आउट करने का फैसला लिया गया था। अब चूंकि ये घोषणा उनके जन्मदिन पर की गई, इसलिए उन्होंने ये एसएमएस किया। डॉक्टर सिंह चुप रहे। संजय ने शांति भंग करते हुए कहा कि पार्टी नरेगा का पूरा श्रेय राहुल को देना चाहती थी, जबकि नरेगा के पीछे डॉक्टर सिंह और रघुवंश प्रसाद का हाथ है और उन्हें इसका श्रेय मिलना चाहिए। ये सुनते ही मनमोहन भड़क उठे। मुझे किसी भी चीज का श्रेय नहीं चाहिए। संजय बोले, सर मेरा काम है आपकी इमेज मजबूत करना। मनमोहन फिर बोले, नहीं मुझे मेरी इमेज प्रोजेक्ट नहीं करनी। और कमरे में फिर खामोशी छा गई। मनमोहन के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। संजय खामोश रहे। मनमोहन बोले, उन्हें क्रेडिट लेने दीजिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा हूं और तुम बस मुझे अपने भाषण लिखने में मदद करो। बात साफ थी, कांग्रेस अध्यक्ष का पद देश के प्रधानमंत्री के पद से सुपीरियर था। मनमोहन तो केवल भीष्म की तरह राज्य संभाल रहे थे ताकि राहुल आगे जाकर गद्दी संभाल सके। ये तो केवल संजय बारू का नजरिया था। अब इसमें कितनी हकीकत है, इसका जवाब तो बस एक ही शख्स दे सकता है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर खुद। ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग किस्सों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपके पास भी ऐसे कोई किस्से हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।